हेलो गाइस, यहाँ पे फाइनली आज हमारे चैनल में गाइस 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम होता है वो कंप्लीट हो गया है और साथ में 1000 सब्सक्राइबर वो भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि आज जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया, मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना पाया जो आप लोग को पसंद आया, आप लोग के लिए यूज़फुल हुआ। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज गाइस मेरा जो मेहनत है वो रंग लाया है, जहाँ पे 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम होता है और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको यहाँ पे और भी कुछ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी आनी बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। जैसा कि गाइस आप मेरा यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन, जो रिकॉर्डिंग है आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, जहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में अगर आप मतलब बहुत मेहनत करते हैं, मतलब और कुछ नहीं सुनना है गाइस यहाँ पे आपको, मैंने 13 महीने पूरे वीडियो डाले हैं, जहाँ पे बीच में 2-3 महीने मैंने छोड़ दिए थे मेरे एग्ज़ाम्स से इस वजह से, बाकी मतलब 19 अप्रैल 2020 से मैंने यूट्यूब में वीडियोस डालना स्टार्ट किया था। और उसके बाद गाइस आज 18 मई 2021 को जो है मेरा 4000 आवर्स का वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ है और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए हैं। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मतलब जब से मैंने अभी जब एग्ज़ाम के बाद फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तब से मुझे थोड़ा मेरे चैनल में ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गया था, तो इस वजह से गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और मैं वीडियोस डालते रहा कंटिन्यूसली मैंने वीडियो डाली गाइस। और उसके बाद फाइनली जो है मेरा 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो गया, 4000 घंटे का वॉच टाइम। यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब स्टूडियो अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे गाइस आपको ना आपका जो वॉच टाइम है वो काउंट दिखाता है, लेकिन गाइस अगर आप इसी चीज़ को स्टूडियो लॉगिन करके अगर आप क्रोम में देखेंगे तो एप्लीकेशन में क्या होता है गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वॉच टाइम काउंट होता है वो हर दिन 2:30 में, मतलब हर दिन दोपहर के 2:30 वो अपडेट होता है, मतलब गाइस हर दिन के 2:30 से लेके दूसरे दिन के 2:30 तक कितना वॉच टाइम आया, कितना घंटे आपका वॉच हुआ वो सब काउंट होता है और हर दिन 2:30 अपडेट होता है एप्लीकेशन में गाइस। और वहीं पे बात करें क्रोम में, जब हम लोग यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन है अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे गाइस आप देखना, कभी भी अगर आप उस देखोगे आपके जो एप्लीकेशन में दिखाएगा वॉच टाइम उससे वहाँ पे हमेशा कम रहता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में देना गाइस, क्योंकि अगर वहाँ पे आप टैप करके देखेंगे तो वहाँ पे 2 दिन पहले का अपडेट रहता है, मतलब वहाँ पे 2 दिन में एक बार अपडेट होता है। अगर मान के लीजिए गाइस कि आज 18 तारीख है तो मेरे पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4078 जो है आवर्स दिखा रहा है, लेकिन वही मैं क्रोम में लॉगिन करूँ यूट्यूब स्टूडियो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4027 दिखा रहा है, और यहाँ पे टैप करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि पहले का डेट दिखा रहा है लेकिन आज है 18 मई। तो यहाँ पे गाइस जो अपडेट होता है ना वो एक दिन बाद होता है अपडेट, जैसे यहाँ पे 17 मई 18 मई दिखा रहा है तो दूसरे दिन नहीं होगा, उसके अगले दिन अपडेट होगा क्रोम में, और उसी में अपडेट होना मेन है गाइस। और एप्लीकेशन में जो अपडेट होता है यूट्यूब स्टूडियो के, वहाँ पे हर दिन अपडेट होता है 2:30, वो भी 2:30 ही चेंज होता है लेकिन वहाँ पे लेट अपडेट होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। और अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे ज़्यादा दिखाता है, तो ऐसा टेंशन मत लेना गाइस, यहाँ पे जो काउंट है वो 2 दिन लेट होता है, जो क्रोम में जो काउंट होता है मतलब डेस्कटॉप मोड में जो काउंट होता है लॉगिन वाले उसमें 2 दिन लेट होता है, और एप्लीकेशन में जो है वो करेंट आपका शो करता है वॉच टाइम। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड भी अपडेट देते रहूँगा। और गाइस मैंने अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है मोनेटाइजेशन के लिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाइस कि अप्लाई का जो है वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस साल जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है यूट्यूब की, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए रुका हुआ हूँ। और आप लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से हुआ है, आप लोगों का मेरा कंटेंट जो है वो पसंद आया,
मतलब मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तभी आपने मेरे वीडियोस को देखा, बहुत अच्छे से देखा, और बहुत लोगों की हेल्प भी हुई है गाइस, मैं ऐसा जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, और आप लोग को इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, आप लोग मेरे को सपोर्ट किए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। अभी तो बस वॉच टाइम ही कंप्लीट हुआ है, इसके बाद बहुत आगे जाना है, और गाइस आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज़ जो है वो बीच बीच में लाते रहूँगा, इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। और फिर से बहुत ज़्यादा थैंक यू, दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ गाइस आप लोग को। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।